जर्मन मॉडल, ठीक है, जर्मन मॉडल को आप, मैंने बताया था ना यहाँ पे इंटरनल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, या ठीक है, आओ। अब देखो इसमें क्या है ना, पहले समझा देता हूँ फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप समझ के वापस पढ़ोगे तो आराम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं रीड करके पढ़ाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर चलो, पिछले मॉडल में भी क्या समझा हमने, वो एक तरह से शेयर होल्डर थ्योरी की तरह था जो ने पहले पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में क्लास में। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर की नहीं चलती दोस्त, जो मैनेजमेंट में बंदे होंगे यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर हैं, उसमें 7 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सातों के सातों अपॉइंट करेगा कौन, शेयर होल्डर। नहीं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, वो भी शेयर होल्डर, मैनेजर में से कुछ मैनेजर वो भी अपॉइंट करेंगे, उनका भी बराबर का हक होगा कंपनी के डिसीजन में, मैनेजमेंट में यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसमें उनका भी हक होगा, ठीक है। तो 50% जैसे जो एक कमेटी बनेगी, सुपरवाइजरी कमेटी, अभी समझाऊंगा, सुपरवाइजरी कमेटी जो मेन कमेटी होती है, एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लो, उस कमेटी में जो बंदे चुने जाएंगे उस कमेटी में, उसमें शेयर होल्डर चुनेंगे आधे बंदे, आधे बंदे कौन चुनेगा, आधे बंदे चुनेंगे लेबर एम्प्लॉय, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, ताकि क्या हो उनके हिसाब से भी डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं है सिर्फ शेयर होल्डर अपनी मनमानी के चलें, ठीक है, क्योंकि काम तो देखो लेबर भी करती है, एम्प्लॉय भी तो काम करता है ना कंपनी में, वो कंपनी के लिए ही तो काम कर रहा है एट द एंड, तो उसकी भी तो बात सुनी जानी चाहिए। उसको अगर 10 लाख मिलने हैं तो 10 लाख मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको तुम 1 लाख देकर बोलो कि यहाँ भी कल काम कर, जैसे बहुत बहुत सी जगह होता है ना। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं इंडिया में ही, अपने रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। लेबर लॉ के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए मान लो 25,000, ठीक है, लेबर लॉ है हमारी कंपनी में, आप समझ लो, मान लो वहाँ पे लिखा हुआ 25,000, कुछ चीज़ों के लिए लिखा हुआ है 10,000 या फिर 20,000, वैसे 20,000 होती है ज़्यादातर, मान लो 20,000 की लिमिट है कि एक लेबर से आप 20,000 कम से कम सैलरी उसको दोगे। लेकिन मतलब कंपनियाँ क्या करती हैं, 20,000 तो दिखा देती हैं अपने एक्सपेंस में, और क्या करते हैं दोस्त, जो एक्चुअल में उस लेबर को पैसा देना है कैश में पे कर देती हैं, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। आप सोच रहे हो बहुत से बच्चे हैं सर इतना मुश्किल, इतना काम करवाते हैं और इतना कम पैसा देते हैं। हाँ दोस्त, कभी जाना किसी फैक्ट्री वाले इलाके में, दिल्ली में बहुत जगह है ना, इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत हैं, अगर किसी की जान पहचान हो या किसी गली मोहल्ले में लोग रह रहे हों आसपास, ठीक है, कोई ऐसी कॉलोनीज वगैरह हो जहाँ पे लेबर वगैरह ज़्यादा रहते हैं, पूछना। मालिक दिखाता है अपने किताबों में 20,000 दे रहा है और उस बंदे को दे रहा है 8,000, मेरे यहाँ भी बहुत हैं, ठीक है। तो उन लोगों का भी राइट ना छीने, उनके भी हक ना मर जाएं, इसीलिए उनके बंदे भी उस सुपरवाइजरी बोर्ड में, कमिटी में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने शेयर होल्डर की नहीं चलेगी इस वाले मॉडल में, इस वाले मॉडल में बाकी लोगों की, एम्प्लॉय की और लेबर की भी चलेगी। ये लेमन लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, अब आप पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। जर्मन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू टीयर मॉडल। टू टीयर मतलब देखो, यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है, यहाँ पे लेबर की भी चलेगी, शेयर होल्डर की भी चलेगी, ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के बोर्ड होते हैं, एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, एक होता है मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड क्या होता है, जो कि कंपनी के अंदरूनी बंदे सिलेक्ट करते हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट बोर्ड इज कंपोज्ड सोलली ऑफ इनसाइडर, मतलब इनसाइडर के द्वारा बनाए जाते हैं मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। इनसाइडर कौन होते हैं भाई, जो कंपनी के अंदर बंदे होते हैं ना, एम्प्लॉई वगैरह, जो जो मेन बंदे होते हैं, जो शेयर होल्डर वगैरह वो होते हैं मेन। सुपरवाइजरी बोर्ड कंटेन्स, कहाँ गया, सुपरवाइजरी बोर्ड कंटेन्स इन नो इनसाइडर, यहाँ पे ये नहीं कि शेयर होल्डर ही चलेगी, ठीक है। इट कंपोज ऑफ लेबर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव एंड शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव, नो इनसाइडर नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं आपके कोर्स में कैसे लिखा हुआ यार,
नॉट ओनली, यहां पे लिखा होना चाहिए नॉट ओनली, नॉट ओनली। कहने का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट बोर्ड बनता है कंपनी में, एक बोर्ड बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है एक तरह से, जिसमें जो शेयर होल्डर उस कमेटी के सारे मेंबर को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई तुम लोग ऐसा ऐसा काम करो। और लेकिन एक कमेटी और बनाई जाती है किसमें, जर्मन मॉडल में, जो होती है सुपरवाइजरी कमेटी। सुपरवाइजरी कमेटी से मतलब से सुपरवाइजरी बोर्ड बोल लो, मैं कमेटी बोलूंगा बोर्ड बोलूंगा बात एक ही है। सुपरवाइजरी यानी जो सुपरवाइज करे, सबको चलाए, एक तरह से क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है ये। बस इस नाम से ये ध्यान रखना, इसमें लेबर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी इसके बंदे भी होंगे और शेयर होल्डर के भी बंदे होंगे, ठीक है। इन दिस मॉडल ऑल दो द शेयर होल्डर ऑन द कंपनी, दे कैन अपॉइंट ओनली 50% ऑफ द मेंबर्स कंस्टिट्यूट द सुपरवाइजरी मेंबर एंड द रेस्ट आर द इंपॉर्टेंट बाय द एम्प्लॉय यूनियन। जो मैंने आपको समझाया वो वही लिखा हुआ है, बस मैं आपको मार्क करा रहा हूँ। यानी सुपरवाइजरी कमेटी एक तरह से मैनेजमेंट से भी बड़ी कमेटी होती है। तो इसमें क्या होते हैं 50% लोग, यानी अगर 10 मेंबर हैं सुपरवाइजरी कमेटी में, तो 5 सिलेक्ट करेंगे शेयर होल्डर और 5 लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट होगा कौन सिलेक्ट करेगा, सारे लेबर लेबर वगैरह मिलकर सिलेक्ट करेंगे। जैसे देखो लेबर यूनियन लिखा है, जो पूरी लेबर की यूनियन होती है ना, ये देखो एम्प्लॉय यूनियन बोल लो, लेबर यूनियन बोल लो, कुछ ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इन दोनों के मिलकर बंदे इसमें होंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। पीछे देख लेते हैं, डुअल बोर्ड सिस्टम, दो बोर्ड होते हैं, अभी हमने पढ़े। कौन सा बोर्ड होता है, मैनेजमेंट बोर्ड होता है और सुपरवाइजरी बोर्ड होता है। मैनेजमेंट बोर्ड कौन सिलेक्ट करता है, सिर्फ कौन बनाता है, सिर्फ शेयर होल्डर बनाते हैं, और सुपरवाइजरी बोर्ड दोनों बनाते हैं, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय दोनों। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होता है, जबकि जो हमने पिछला मॉडल पढ़ा था एंग्लो सैक्सन मॉडल, उसमें लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो ये वाला, इसमें एम्प्लॉय और लेबर का, लेबर और एम्प्लॉय बोलूँ तो एक ही बात समझना, ठीक है, इनकी नहीं चलती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनकी भी सुनवाई होगी। लेवल डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दिया नहीं हुआ, चलो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो समझा देता हूँ। अगर ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, थोड़ा छोटा सा मार्क करा देता हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं अगला मॉडल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी सुन लो, डेट इज मेजर सोर्स ऑफ द फाइनेंस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन लिस्टिंग कंपनीज। देखो अब ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल जनरली जहाँ पे भी अप्लाई होता है, वो कहीं ना कहीं वो बड़ी कंपनी होती है और कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, हाई लेवल का पॉइंट है ये, बहुत हाई लेवल का। अब उसमें क्या होता है दोस्त, उसमें सबके, अब मान लो जो कंपनी बहुत बड़ी है उसके ऊपर ना कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है, सेबी एक्ट भी अप्लाई हो जाता है, फेमा एक्ट भी अप्लाई होता है, और एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है बड़ी कंपनियों पे कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो दोस्त उससे क्या होता है ना, उससे बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, लेकिन ध्यान उस कंपनी को सबको रखना पड़ता है। यानी जो बड़ी कंपनी होगी वो लेबर का भी ध्यान रखेगी, उसे रखना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लॉस बने हुए हैं, उसको एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना है, उसको मैनेजर का भी ध्यान रखना है, उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें हर लोगों को देखा जाता है एक तरह से, तो ये जनरली डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा चलता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और सुन लो, डेट इज मेजर सोर्स ऑफ द फाइनेंस। इस पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस मॉडल में, जो इस मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि इस मॉडल में क्या होता है, डेट यानी कर्जा ज्यादा लिया जाता है बाहर से, बाहर से यानी बैंक से, किसी दूसरी कंपनी से कर्जा, डेट, इक्विटी नहीं, इक्विटी तो शेयर होल्डर के पास होती है, डेट लिया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं लिस्टिंग कंपनी की। लिस्टिंग लिस्टिंग कंपनी की रेस्ट्रिक्शन कहाँ आती हैं, कौन करता है, सेबी, यानी जो शेयर लिस्टेड हैं जिस कंपनी के उसको लुक आफ्टर कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट है, टेंशन मत लेना ज़्यादा, अगला पॉइंट ध्यान दो, अगर 3 पॉइंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। डुअल क्लास शेयर, जैसे डुअल बोर्ड सिस्टम था तो डुअल क्लास शेयर था इसमें। अब डुअल क्लास शेयर देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एट द एंड शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं ना दोस्त,
इम्प्लॉय मालिक तो नहीं बन गए, इम्प्लॉय की सुनी जा रही है यहाँ पे इस मॉडल में, लेकिन इम्प्लॉय मालिक तो नहीं बन गए ना, ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो शे अगर मान लो वोटिंग होती है कल को, जिस चीज की वोटिंग होती है, अगर वोटिंग शेयर के बेस पे हुई तो जिसके पास ज्यादा शेयर है, ठीक है, मान लो एम्प्लॉयज के पास तो कम ही शेयर होते हैं, जब जिसके पास ज्यादा शेयर हैं वो लोग क्या करेंगे फिर, अपने चलाएंगे शेयर के हिसाब से। हो गया, तो शेयर के हिसाब से अगर वोटिंग हुई, ठीक है, मान लो ए बी सी डी डी ई, इन पांच के पास मान लो 55% शेयर है, ठीक है, और बाकी मान लो 100 लोगों के पास, बाकी 100 लोगों के पास हैं, बाकी बचे हुए 45% शेयर। अब आप एक बार बताओ, कभी वोटिंग होगी तो ये लोग जिस चीज में हाँ कर देंगे वही चलेगी, इनको तो सुनवाई नहीं होगी क्योंकि तो सबसे ज्यादा शेयर इनके पास है, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या होता है, वोटिंग शेयर के हिसाब से नहीं होती दोस्त, वोटिंग होती है लोगों के हिसाब से, यानी इसका एक वोट होगा, इसका एक वोट होगा, इसका एक वोट होगा, इसका एक वोट होगा, और इन 100 के एक एक वोट होंगे, यानी 100 वोट्स। यहां हो गया मोटा मोटा 5 वोट्स, अब समझे, यानी जितने लोग उतने वोट काउंट होंगे, कभी भी डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि शेयर के हिसाब से वोट, ठीक है। वैसा जनरली शेयर के हिसाब से ही वोटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, ठीक है। बट वोटिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो आप कंपनी ऑडिट में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट और सॉरी कंपनी लॉ में पढ़ोगे जो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मॉडल है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझ गए लास्ट वाला पॉइंट, देयर फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वन शेयर वन वोट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी प्रिंसिपल कौन होता है, शेयर होल्डर होते हैं, और उनके पास एक शेयर है तो एक वोट भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें, इसमें ऐसा नहीं होता। चलो जी,